हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बिग बॉस के घर में एक नए टॉपिक में बात छिड़ गई है। यहाँ पर जो अरमान मलिक है, तो अरमान मलिक ने विशाल का एक नया नाम रखा हुआ है। यहाँ पर वो उन्हें मच्छर का नाम दे रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि मतलब क्या क्या बातें हो रही हैं बिग बॉस के घर में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मच्छर के बारे में जल्द से टॉपिक छिड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं आगे। सामने ना बोलेगा, बार बार बोल रहा। हाँ, पीठ भी अभी मैं यहाँ पे ना जान सामने से गया, उधर गया, कुछ नहीं बोला। ऐसा मुंडी नीचे करके चले गया, कुछ भी नहीं बोला। खाला जान तो है ही, मैं तो नाम तो दे दिया उनको खाला जान। अभी कुछ बोलेगा मतलब खाला जान चुप हो जाओ। नहीं, कौन सी चाल है ये बता। नहीं बोल सकते, तो ऑफेंसिव चीज है कोई। नेजी वो दो रहा है, कब दो रहा है वो, आप एक कच्चा बादाम सुन रहा है नेजी वो है। नहीं जो क्या होता है वो, एक गाना है बहुत फेमस हुआ था, रील्स बने थे। अच्छा, मैं ये सब नहीं सुनता हूँ नेजी वो है, मैं ये सब नहीं सुनता। नहीं, जब मैं कच्चा बादाम बोलूँगा आपको बोलता है, बोलना है पक्का बादाम। नेजी उसको ऐसे देख रहा है ब्लैंकली, क्या बोल रहा है। ओह गॉड, भाभी मेरे को आके समझा मैं, बट आप मेरे को भी समझा दो। टेल योर हस्बैंड, हाँ मतलब उनको बोलो, मतलब उनको क्या मस्ती सुबह में भी, मैंने उनको बोला उनको मस्ती सहन नहीं होती क्या। वन सेकेंड, सुबह में को सिर्फ ये जानना है कि सुबह में चलो उन्होंने ही शुरू किया था। और तो इसको ये भी तो नहीं बात रहा, बता क्या क्या बात हुई। तो वीकेंड के बाद के लिए क्यों तैयार हो गए। तो पहले वाली बात बता जो मैंने बाथरूम में बोली, जब मेरे को कह रहे कच्चा बादाम वाले, तो मैंने क्या बोला फिर। क्या, आप मत बोलो, आप मत बोलो, आपका झगड़ा हुआ था तब आपने उसको कच्चा बादाम वहाँ चढ़ाया था। बट मेरे को, मैंने बोला कि तुम बोलो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैंने सुना ठीक है वो वहाँ तक ठीक था। तुमको डायरेक्ट तुमको चिड़ किस बात की हो रही, पहले ये बता। मेरे को मैंने बोला कि देख, मैं नेजी को कभी छेड़ता नहीं हूँ, उसकी हमेशा इज्जत करता हूँ। कभी सामने मिलता हूँ तो ब्रो भाई वगैरह बोलता, लेकिन उसको कभी छेड़ा नहीं, और आज तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। तुम बोल, वहाँ शांत हो गए। मैं तो बहुत, और मकबूल के दिमाग में किसी ने डाला है। मैं जब, मुझे नहीं पता था, मैं जब निकली थी मुझे पहले कच्चा बादाम का स्टेप करके दिखा, तो मैंने बोला ओके ऐसे, फिर बार बार मुझे एम्फसाइज करे कच्चा बादाम, तब मैंने बोला आप क्यों इतना बोल रहे हो कच्चा बादाम, क्या हुआ बोलो, मेरे स्टेप करके दिखाओ तुमको बोलो। सुन तो, मेरे कॉन्टेंट पे बोलने लगे कंटेंट, तो फिर मैंने उनको बोला मेरा आपका कंटेंट मेरे को भी मालूम है, मेरे को सब गंद में पढ़ने का नहीं, वरना मैं भाई बहुत अलग से अलग चीज़ों उनको बोल सकता था कि तुम कंटेंट के लिए ये वो बहुत सही मैं, लेकिन टाइप को सुबह सुबह क्यों मुड़ कर आपको, बस उनको मैंने वार्निंग दिया, मतलब अगली बार मेरे कॉन्टेंट में मत जाना वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वाट लगा दूंगा। फिर मैंने बोला कि भाई देखो, तुम लोग की लड़ाई है, मेरे को बीच में मत डालो, मेरा भी दोस्त है आप भी मेरे, तो मुझे बीच में मत बोलो, आपका जो है आप देखो बस। फिर मैंने क्या करती बोलते विशाल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती प्लीज कुछ मत करो। मैंने उनको भी समझाया, मैंने भी तो समझाया भी अरमान भाई को, अभी पता है मैं अंदर गया ना तो कहते कच्चा बादाम, मेरे को कहते मैं भाई क्यों बोल रहा हूँ आपको, पता है चिड़े गए इस बात से, कह रहे थे मैं तो गाना गा रहा हूँ, वो करता नहीं था वो क्यों चिड़ रहा है। मैं सुबह आपकी इस बात पर लड़ाई हुई तो चिड़ रहा है, ये वाली बात है। कहता भाई मेरा यहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता, कोई किसी को नहीं बोल सकता मेरा। तू समझा क्यों रहे, लेकिन मत समझाना, बोलने दो ना। अरे तो बहन जी, मैं तो डिफेंड करूँगा ना जहाँ पर मेरे को लगेगा भाई। कृतिका भाभी मेरे को आके बोली कि प्लीज़ वो मेरा हस्बैंड है और तू मेरा दोस्त है, तो प्लीज़ मत करियो कुछ। मैंने उनको भी समझाया, मैंने बोला आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला अब तक, और अगर मेरे को वो उंगली करे तो मैं बोलूँगा। फिर कुछ नहीं, बोले कि नहीं मैंने उनको भी समझाया तो प्लीज़ तू भी मत बोलो यार प्लीज़, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा ये। मैंने अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, आगे का मेरे को नहीं मालूम, आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए मैंने अब तक नहीं बोला। क्या होता है ना, इनसे होता है तो खराब उनसे भी हो जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली। हाँ वही जो ये है कि अगर इनसे खराब हो तो उनसे बेफालतू में खराब हो जाता है। आई नो जबकि कुछ रीजन ही नहीं है उनसे खराब होने का। सब पता है घर में यही बात बोलते हैं, अगर अरमान भाई ना होते ना, उनकी दो वाइफ होती है बहुत अच्छी। अरे ये भाभी तो बहुत आगे जाती है एज अ पर्सन भी और एज अ प्लेयर भी। इंडिविजुअली मैं बोल चुकी हूँ, इंडिविजुअली उनको नहीं आना चाहिए था।
लेकिन मैं माँ की अपनी माँ की रस्म खा रहा हूँ मैं। अगर ये बंदे ने एक और बार मेरे को पोक किया ना, मैं बहुत अनसन चीज़ें बोलूँगा इनको, फिर मेरे को घंटा रिग्रेट भी नहीं रहेगा, चल भले फिर मेरे को शो से निकाल दे कोई भी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।